With me is the controversial BJP MLA Raja Singh Lodh from Gosha Mahal in Hyderabad. He's the only BJP MLA to have won the seat in 2018. Sir, people say that fight is between Congress and BRS. BJP very distant third player. BRS aur Congress ke beech ke ladai hai. BJP bahut piche hai karke. All Telangana ka. Aapka kya kehna hai? Hum kahenge ki hamara BJP sabse aage hai. देखिए, हर वो पार्टी वाला अपनी पार्टी का यही प्रचार करता है कि हम आगे हैं, लेकिन दो बार केसीआर की सरकार का जुल्म तेलंगाना की जनता ने देखा, उसका करप्शन तेलंगाना की जनता ने देखा, इसलिए तेलंगाना की जनता डिसाइडेड कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए, मोदी की सरकार चाहिए। अगर हमारे तेलंगाना अगर विकास हो सकता है तो वो सिर्फ केवल भारतीय जनता पार्टी से ही हो सकता है, ये जनता डिसाइडेड है। तो इसलिए यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी, अच्छी मेजोरिटी बनेगी और बीसी मुख्यमंत्री बनेगा तेलंगाना राज्य का। अरे, और ये क्षेत्र का जहां तक बात है, पीपल से दैट AIMIM असदुद्दीन ओवैसी हैज नॉट फील्डेड कैंडिडेट, तो इसमें मैच फिक्सिंग है असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में? कांग्रेस कहता है ऐसा? कांग्रेस अगर असदुद्दीन ओवैसी जैसे जहरीले सांप को अगर दूध नहीं पिलाती तो AIMIM इतनी बड़ी ना होती। यही कांग्रेस है जिन्होंने AIMIM को हर प्रकार से सहयोग किया, इसलिए आज AIMIM हर राज्य में जाती है, ब्लैकमेल करती है, पैसा वसूलती है। और रही तेलंगाना की बात और रही विधानसभा गोशामेल की बात, तो BRS, कांग्रेस, AIMIM ये तीनों मिलकर मैच फिक्सिंग करके, एक तो कांग्रेस ने यहाँ पर किसी महिला डम्मी को डाल दिया है उम्मीदवार, जो कि घर में आराम कर रही है, प्रचार भी नहीं कर रही है। आप देखे होंगे कहीं पर महिला कैंडिडेट आपको नहीं मिलेगी। और जो BRS का जो कैंडिडेट है वो सिर्फ माइनॉरिटी वोट, मेरी जेबक में है 70,000 और मैं कुछ स्लम वोट खरीदूंगा, लगभग 100 करोड़ खर्च करके मेरी विधानसभा में जीतने का इनका प्लान है। लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा, ये तीन पार्टी मिलकर अकेला बीजेपी से लड़ रही है। 2018 में भी इन्होंने 50 करोड़ रुपए मुझे हराने के लिए खर्च किए, लेकिन यहाँ की जनता ने, गोशा महल की विधानसभा की जनता ने पैसा BRS से लिया, वो समय की TRS थी, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी के समक्ष में डाला और 2018 में जिस प्रकार से मुझे जिताया है, 23 में भी अच्छी मेजोरिटी में गोशामेल विधानसभा हम जीत रहे हैं।